सुखविंदर जी, सुखविंदर जी आज पूरे गौशाला की आप लोगों ने सफाई की है। आज कोई, आज के समय में कोई किसी को एक मिनट भी नहीं देता, अपना बाल तक नहीं देता। आप लोग ऐसे ऐसी सोच कैसे आपके अंदर? ये ऐसी सोच हमारे अंदर है कि हमारे पूजनीय संत डॉक्टर गोविंद राम अहिंसा जी की प्रेरणा से हम ये कार्य करते हैं। उन्होंने 144 मानता भलाई कार्य चला रखे हैं, तो उन्होंने गाय को गौ माता का दर्जा दिया है, तो इसलिए उन्होंने एक सफाई अभियान चला रखा है। तो उसके तहत हम आज इधर गौशाला में सफाई करने आए। सर, आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें कोई डर नहीं लगता है। मिलता क्या है सर आप लोगों को? हमें उनके इस काम करने से बहुत खुशी मिलती है, बहुत लज्जित मिलती है और बहुत आनंद आता है। और हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने रहम कर्म से छुटकी में काट देते हैं, और उससे हमें बहुत प्रमाण मिलता है। सर, और किस तरीके के कार्य हैं समाज के लिए, देश के लिए किए हैं गुरु जी ने? तो बहुत कार्य किए हैं, 144 मंत्र वाले कार्य हैं, उनको गिना नहीं सकते। जैसे खूनदान करना, किसी की जान बचाना, या पंग बच्चों को खिलौने बांटना, या बहू बेटियों की शादी कराना, गरीब बेटियों की शादी कराना, उनकी दहेज में सामान देना, ऐसे बहुत से कार्य मतलब चला रखे हैं उन्होंने। तो उसमें हमारी जो संगत है वो बढ़ चढ़ कर उसमें शो करती है और अपना ये रोल अदा करती है। क्या संदेश देना चाहोगे सर समाज को? समाज को हमें यही संदेश देना चाहिए कि हमारे जो गुरुजी हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, और उनकी यहाँ पे ज़रूरत है। आजकल जो है ऐसे भी देश में नशे से ज़्यादा जो युवा मतलब बच्चे हैं वो त्रस्त रह रहे हैं, तो उसके लिए अगर हमारे गुरुजी आएं, जैसे उनको गुरु मंत्र नाम दें, तो उससे थोड़ा सा वो उनको क्या मुक्ति मिल जाए नशे से। ये प्रभाव क्या पड़ा है सर जब से वो नहीं है? हाँ, जब से वो नहीं है तो जब से क्या है कि जैसे गुरु नहीं होता, किसी क्लास में चले जाओ, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरु नहीं होगा तो बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी? अगर वो यहाँ पे होंगे तो जैसे नामदान देते रहेंगे तो इससे क्या संगत जुड़ी रहेगी, आम पब्लिक जैसे जाएगी तो वो भी मतलब उससे जुड़ेंगे, तो उनको जो गुरु मंत्र में मेथड मेडिसिन मिलेगा, उससे वो अपना गुरुजी मंत्र नाम का जाप करेंगे तो उनको आत्मबल मिलेगा। सर, जो गुरुजी के बारे में अलग तरीके से दिखाया जाता है दूसरे और उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो सारा मीडिया का ऐसे मनगढ़ंत कहानी है, ये पॉलिटिक्स रेस्टर है, तो इसलिए दिखा रखा है उन्होंने, और उनको असलियत का तो पता नहीं है कि यहाँ पे क्या काम होता है क्या नहीं होता। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से यही मांग करोगे कि गुरुजी को हमारे को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, तो कि वो समाज का उद्धार कर सकें।